रफीक न्यू मिलन एक्वेरियम चैनल से। आज हम देखने वाले मल्टी लेवल जो एक्वेरियम होता है उसको डेकोरेशन करने का, सेटअप करने का टोटल। दोस्तों पहले तो आपको बताइए कि मेरे पहले वीडियो में तो मल्टी लेवल टैंक हमने किस टाइप से कांच को, ग्लास को ज्वाइंट किया, किस टाइप से कटिंग किया, कहाँ से हमने कौन सा ग्लू यूज किया, ये सब टोटली हमने पिछले दो वीडियो में हमने पार्ट वन में इसको डाला। तो प्लीज आप अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूले। तो यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टी लेवल एक्वेरियम डेकोरेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा फिश टैंक डेकोरेशन करने का, सेटअप करने का फुली प्रोसेस। आइए फ्रेंड, हम पहले स्टार्ट में हमारा जो एक्वेरियम है इसके अंदर हमें तो सैंड डालेंगे, जो कि कम से कम इसका वेट रहेगा। कम से कम सैंड के अंदर हमारा एक्वेरियम पूरा सा एकदम बढ़िया लुक आएगा। यहाँ पे हमने जो यूज किया है देखते हैं स्काई ब्लू कलर का, जैसा कि आप जैसा समंदर में लुक होता है, नेचुरल लुक होता है, उसी टाइप से मैं इसको इमेजिन करके यहाँ पे हमें तो ये वाला बारीक वाला सैंड है तो यूज करने वाले। पर है तो ये पूरा टोटली सैंड डाल दिया है, कम से कम सैंड, ज्यादा नहीं, 2 से 3 किलो के सैंड के अंदर हमारा ये 3 फीट का जो टैंक है पूरा कवर हो चुका है। तो पहली बात हमारे जहाँ पे देखिए हमारा जो मेंटेनेंस हो रहा है, कम से कम मेंटेनेंस में यहाँ पे हमारा काम चालू है। और इसके बाद में हम डालेंगे कि प्लांट्स भी इस टाइप से डालेंगे कि हमारा है तो ये जो टावर जो एक्वेरियम है बाहर से लुक दिखने में अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हमें तो प्लांट्स के लिए, मैंने यहाँ पे प्लांट्स, इतने लंबे प्लांट्स होते नहीं है, तो मैंने प्लांट्स अपने यहाँ पे असेंबल बना दिया है। देखिए ये बनाने का भी प्रोसेस बहुत मस्त लगेगा, मैं तो पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि हमारे अगर छोटे 4 इंची 4 इंची प्लांट्स होते हैं उसको भी हम 10 इंच भी, 15 इंच भी, 1 फीट 2 फीट 3 फीट कितना चाहे बड़ा करना है कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने बड़ा किया है प्लांट्स को, तो और एक प्लांट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो प्लांट्स है ये कोई इतना बड़ा प्लांट्स नहीं है, 4 इंची प्लांट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है, सिंबल बनाया है इसको, बहुत मस्त लगेगा। तो यहाँ पे हमारा प्लांट्स होने के बाद में कुछ टॉयज हम यूज करेंगे इसमें, टॉयज के लिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बहुत नेचुरल लुक देने वाली बढ़िया सी हमारे पास एक टॉयज है, और इसके अंदर हम लगाएंगे ऑक्सीजन और फिल्टर पाइप के थ्रू। हमें तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर है तो पानी ये तो भरने वाले, और जैसा कि आपको पता ही है कि पानी भरने के लिए सादा सिंपल एक हमारा जो पाइप होता है, जो कनेक्शन होता है टाकी से या जहाँ स्टोर पानी होता है उससे हम यहाँ पे पानी को ले सकते। तो ये हमें हमारा है तो ये पानी, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सोचने वाले होंगे कि ये जो हमारा टावर होता है पानी तो ये लेवल तक आएगा, ये लेवल के बाद में पानी को हम किस टाइप से ऊपर लेंगे या पानी ऊपर किस टाइप से जाता है और मछली किस टाइप से हवा में तैरती है। तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मैं आइडिया आपसे आपको बताता रहूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा टावर है, इस टावर में हम पानी को किस टाइप से अंदर यहाँ तक डालेंगे और किस टाइप से पानी ऊपर चढ़ेगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जैसा हमारे एयर ऑक्सीजन मशीन का जो एयर पाइप होता है, एयर पाइप के अंदर सादा सिंपल थर्मोकॉल है और यहाँ पे हमने कंट्रोल को यूज़ किया है, जैसा कि अपने एक्वेरियम से रिलेटेड एक्वेरियम के आसपास जो मिलने वाली एसेसरीज है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको होल्ड कर देता हूँ, और दोस्तों होल्ड करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे, इस कंट्रोल को बंद नहीं करना है, इसको पूरा ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से हम इसको हमारा जो टैंक के अंदर का जो टावर का एरिया है उस टावर के एरिया में इसको छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद इसके थ्रू है तो हम इसकी एयर, अंदर जो एयर है उस एयर को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है, इस पाइप के इसको हमने पहले स्टार्ट में इसमें टैंक में भर दिया है पानी को, पानी भरने के बाद में ये पाइप के थ्रू है तो हमने अंदर की जो एयर है ये टोटली बाहर निकाल दिए
और एयर बाहर निकालने के बाद में जिस टाइप से एयर निकलेंगी उसी टाइप से हमारा है तो ये एक्वेरियम के अंदर तो पानी है तो ऊपर चढ़ता रहेगा, पानी ऊपर आता रहेगा, जैसे एयर हम कम करेंगे इसी पाइप से हमको एयर निकालना है तो उस टाइप से यहाँ पे हमारा पानी इसके अंदर आ चुका है तो अभी हम इसको तो यहाँ से निकाल देंगे। देखिए सब टोटल ट्रिक हमारा जो मेन काम है इसी मल्टी लेवल एक्वेरियम में, ये थर्मोकॉल है, इसके अंदर ज्वाइंट है और ये पाइप है, पाइप से जिस टाइप से हम एयर निकालेंगे उस टाइप से हमारा पानी चढ़ता जाएगा। तो इस टाइप से एकदम सिंपल एकदम आसान इजी आइडिया है दोस्तों, इस टाइप के एक्वेरियम बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बढ़िया लगेगा और कुछ हटके लुक आएगा। तो इस टाइप से अभी हम देखते हैं कि गोल्डन फिश हमारी इसमें डालने के बाद में छोड़ने के बाद में किस टाइप से ऊपर तैरेंगी वो अभी हम गोल्डन फिश डालने के बाद चेक करेंगे और देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये मल्टी लेवल टैंक का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ लाइट के रिफ्लेक्ट के अंदर किस टाइप से इसको हम गेटअप देना है ये हम कंटिन्यू, प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए और प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि मेरे आने वाले टाइम में भी है। जो टीवी के अंदर जो एक्वेरियम होता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है टीवी वाला एक्वेरियम किस टाइप से लगाना है उसकी ट्रिक देखने के लिए, उसका प्रोसेस देखने के लिए मेरा इस चैनल का बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले। और